बच्चे अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि जब स्पीड ज़्यादा होती है तो प्रेशर जो है वो कम कैसे हो जाता है। देखें, हर फ्लूइड जो है वो अगर रेस्ट में भी हो तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो इन रैंडम मोशन होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है। और ये अपनी पाइप की जो दीवारें होती हैं वहाँ पे एक प्रेशर एग्जर्ट करती हैं उसकी दीवार के ऊपर। तो वो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर जो है आपके पास स्टैटिक प्रेशर जो है वो कहलाता है। चूंकि फ्लूइड एज अ होल रेस्ट के ऊपर है, इसलिए इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा टाइम मिलता है कि वो इसकी वॉल्स के साथ जाके टकराएं, और वो जो प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट करते हैं वो इस मीटर की मदद से मेयर किया जाता है, जिसको स्टैटिक प्रेशर कहते हैं। अब जैसे ही फ्लूइड जो है वो मूव करना शुरू करता है तो इसके मॉलिक्यूल्स भी मूव करना शुरू कर देते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो वो जो टाइम उसको पहले मिल रहा था वॉल्स के साथ टकराने के लिए, ज़्यादा टाइम मिल रहा था, अब उतना टाइम मिल नहीं पाता। तो कम मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे वॉल के साथ जाके टकराते हैं और प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है फ्लूइड की, मॉलिक्यूल मूव करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो वॉल्स के ऊपर लगने वाला वो कम हो जाता है। और अब अगर हम इसको मीटर से मेजर करें तो वो कम हो जाता है। और हमें बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन भी यही बताती है कि जैसे जैसे हम फ्लूइड की स्पीड को बढ़ाते हैं वहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम फ्लूइड की स्पीड को बढ़ाएंगे प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे बर्नौली की वो वाली एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे स्पीड जो है वो बढ़ती है वहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, जो कि हम मीटर के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जैसे जैसे हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो प्रेशर हमें ज़्यादा फील होता है। तो फिर वो वाला प्रेशर कौन सा है? और ये जो प्रेशर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास स्टैटिक प्रेशर होता है, जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो वो वाला प्रेशर फिर कौन सा प्रेशर होता है? जी, उसको बोलते हैं हम डायनामिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड के डायरेक्शन में होता है। उस प्रेशर को हम जो है वो बोलते हैं डायनामिक प्रेशर। वो हमने अक्सर ऑब्ज़र्व किया है। ये तो स्टूडेंट्स इस डायनामिक प्रेशर को अब हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि अगर आप फ्लूइड के रास्ते में खड़े हो जाएं तो फ्लूइड जो है जब फ्लो करता है तो आपके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाती है। वो जो फोर्स आपके ऊपर लगती है वो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्चुअली आपके ऊपर प्रेशर जो है वो लग रहा होता है। उस प्रेशर को आप नाम देते हैं डायनामिक प्रेशर का। जैसे जैसे आप जो है इसके रास्ते में खड़े होते हैं और फ्लूइड की स्पीड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और इस प्रेशर को हम नाम देते हैं डायनामिक प्रेशर का। चूँकि आप डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है उसमें खड़े हुए हैं, इसलिए आपके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसको आप डायनामिक प्रेशर जो है उसका नाम देते हैं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जैसे ही हम स्पीड को बढ़ाते हैं, यानी कि एक पाइप को आगे से बंद कर दें, तो आप जो है वो स्पीड बढ़ी हुई महसूस करते हैं और आपके हाथ के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो आप उसको ज़्यादा महसूस करते हैं, जिसको आप डायनामिक प्रेशर का नाम दे देते हैं। इसी बिल्कुल एग्जांपल को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि अगर यहाँ पे स्पीड बढ़ जाए तो यहाँ पे डायनामिक प्रेशर जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।